तो हम जा रहे हैं अभी होंडा वरना एसएक्स का सर्विसिंग कराने, देखते हैं इसमें अभी क्या कॉस्ट आएगी। ये होंडा वरना एसएक्स ऑटोमेटिक वेरिएंट है और अभी ये थर्ड सर्विसिंग पे जा रही है और मेरी कार चल चुकी है अभी, देखते हैं 19,362 किलोमीटर एंड अभी जा रही है थर्ड सर्विसिंग पे एंड देखते हैं कितने खर्चे आते हैं, क्या आता है, क्या क्या चेंज होता है, सब आपसे शेयर करेंगे। होंडा वरना एसएक्स ऑटोमेटिक वेरिएंट। सर्विस सेंटर वालों ने कहा था मुझे कि कार हम ऑफिस से ही मंगवा लेते हैं आपके, बट मैंने सोचा कि हम खुद ही लेके चलते हैं, पास में भी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेके जाने में। एंड जाके हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बतानी है, जो इसके स्टेयरिंग थोड़े से अलाइनमेंट थोड़े आउट लग रहे हैं, तो सब चीज़ें मुझे खुद बतानी थी, इसलिए आगे देखते हैं इस ब्लॉग में एंड कितना खर्चा आता है। अभी थर्ड सर्विसिंग फ्री है बट देखते हैं कितने खर्चे आते हैं इस गाड़ी में अभी, और मैं कुछ इस गाड़ी में अपग्रेड कराने वाला हूँ अभी के वीडियो में, देखते दिखाऊंगा आपको क्या अपग्रेड कराया मैंने। यहीं पे कहीं पे होंडा सर्विस सेंटर है, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे थर्ड सर्विसिंग कैसी है, क्या कॉस्ट आई है। तो अभी चलते हैं सर्विस एडवाइजर से बात करते हैं, उनको बताते हैं क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है। एंड ये सामने इन्होंने पुराने वाले वरना के अलग ही लगा रखा है, इतना अच्छा तो नहीं लग रहा बट ठीक है। तो वरना हमने दे दी है सर्विस पे, तो हम निकल रहे हैं अब ऑफिस के लिए। तो मैं आ गया हूँ सर्विस सेंटर, तब आगे अंदर जाके देखते हैं गाड़ी कितनी बनी है कितनी नहीं बनी है। ये गाड़ी खड़ी है का टेस्ट ड्राइव लेते हैं, कितना सही है चलने में, क्या है सर्विसिंग होने के बाद कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है, वो सब देखेंगे हम भी। हम अंदर देखते हैं इन्होंने गाड़ी को अच्छे से, गाड़ी क्लीन कर दी है इन्होंने और तो मैं आपको बताने वाला था कि कुछ चेंज करवाऊंगा, बट मैं इसका एलाइविल चेंज करवाने वाला था एसएक्स ऑप्शनल वाला ब्लैक डायमंड कट, बट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है और दिल्ली एनसीआर में मैंने पता करवाया। तो अब देखते हैं आगे मिलती है या नहीं मिलती है, कभी लगता है यही अलेवल ठीक है बट एक होता है वो वाली अलेवल ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, बट देखते हैं कभी मिलेगी तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगी तो ये भी अलेवल है, ये भी चलेगी अच्छी, तो इसमें भी दिख रही है वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं ला रही। ये है पुरानी वाली वरना, ये है नई वाली वरना। तो बिल तैयार हो गया है और मैंने पे कर दिया है, ये मेरी कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट आई मेरी 6974 और ये जितने भी मैंने सिंथेटिक ऑयल डलवाया है। तो सर्विस में कोई इशू नहीं है, गाड़ी चलाने में मुझे अच्छी लगी और हुंडई की तरफ से मुझे कुछ टिशू का बॉक्स मिला है, चलिए कुछ नहीं से कुछ ठीक है। बाकी इसमें जो जो खर्चा आया, खर्चा तो इंजन ऑयल एंड फिल्टर वगैरह का है, लेबर चार्ज वगैरह तो है नहीं,
ये है गेट पास, तो चलिए लेके निकलते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं, मैंने सर्विस करा ली है, अब चलते हैं। सर्विस के बाद काफी स्मूथ चल रही है कार, चलाने में भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू था, वो भी ठीक हो गई है। और इसका हॉर्न में कुछ कहीं पे टच हो गया था मे बी, तो बॉडी में वाइब्रेशन आ रहा था हॉर्न लेने के बाद, तो हॉर्न भी दब गया था। तो हॉर्न भी काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब उनके उसके लिए मैंने कुछ बोला नहीं था उन्हें कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं भी भूल गया था। पर उन्होंने अपने से चेक करके देखा और अपने से ये ठीक कर दिया, उसके लिए बोलना नहीं पड़ा मुझे। तो अभी तक तो हुंडई का सर्विसिंग काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, और देखते हैं मैं आगे चल के क्या है क्या नहीं है, सर्विसिंग आगे चल के कैसी हो अभी, क्योंकि एक्चुअली गाड़ी तो अभी है पूरी नहीं, 20,000 किलोमीटर तक तो कुछ मतलब नहीं होती है वैसे। तो आगे चल के देखते हैं कि सर्विस मिलती है कैसे नहीं मिलती है अपने को, कि मैं सेटिस्फाइड हूँ हुंडई के सर्विस सेंटर से अभी तक। पीछे अपनी वेंटो आ रही है। बाकी सर्विस कॉस्ट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, मतलब जो इतना मैं पहले सुना था, सोचा था, मतलब i20 वगैरह मेरे फ्रेंड्स के पास है, तो थोड़ी सी कॉस्ट मुझे ज़्यादा लगी। अब मुझे ये नहीं पता कि वो सिंथेटिक ऑयल डलवाते थे, कौन सी ऑयल डलवाते थे, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, बट थोड़ी सी मतलब कॉस्ट मुझे लगी। मतलब अभी तक तो लेबर चार्ज भी नहीं लग रहे, और ऊपर से 7,000 का बिल बन रहा है एक्चुअली, और लेबर चार्ज लगेंगे तो ऑलमोस्ट 10,000 मान लो, तो इतना कॉस्ट आएगी। बट अगर सर्विसिंग अगर अच्छी करते हैं तो कोई सुनिए 10,000 में भी गाड़ी की सर्विसिंग अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज तो पैसे कितने भी लगा लो, कम लगा लो, जो भी लगा लो, अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो फिर कोई मतलब नहीं रहता फिर। तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं, चलाते हैं थोड़ी गाड़ी। अभी तक हुंडई के साथ का सफर ठीक ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। स्टीयरिंग मुझे इसके पहले थोड़ी सी ऐसी लग रही थी कि थोड़ी हार्ड हो रही है, बट अभी काफी स्मूथ लग रही है। और ऊपर से मैंने मतलब आज दूसरी गाड़ी चला के थोड़ा सा फील हो जाता है, माइंड में बैठ जाती, कोई चीज होती नहीं है। बाकी चलिए देखते हैं। ये रहा अपना ऑफिस, यहाँ पहुंच गए हैं, थोड़ा सा पार्क कर लेते हैं कार।